नमस्कार कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं मैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनातन संस्कृति में रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार है 22 जनवरी को अयोध्या के दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला को पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान करवाया जाएगा जिसका इंतजार हर किसी को है पर आज अपने शो में आपको मुस्लिम देश में बन रहे भव्य हिंदू मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी न्यू 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी जी हाँ मैं बात कर रही हूँ संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बन रहे भव्य दिव्य विशाल हिंदू मंदिर की मुस्लिम देश में बन रहा भव्य हिंदू मंदिर धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था शिलान्यास 14 फरवरी 2024 को मंदिर का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मंदिर का उद्घाटन जी हाँ यूएई खाड़ी का वो देश बनने जा रहा है जहां पर एक विशाल स्वामी नारायण मंदिर होगा मुस्लिम बहुल देश संयुक्त अरब अमीरात में तैयार हिंदू धर्म के इस भव्य मंदिर का बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है साल 2024 में 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा वर्षों की मेहनत और स्वयं सेवकों के प्रयास से तैयार हुआ ये मंदिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी बात पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई पीएम मोदी का क्या इसमें योगदान है पहले आपको वो बताते हैं दरअसल बीएपीएस हिंदू मंदिर का महत्व इसलिए भी बहुत है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 दो हजार 20 जमीन दी थी यूएई सरकार ने साल 2015 में उस वक्त यह ऐलान किया था जब प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे पर वहां गए थे उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दो में दुबई के पर वहां के ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवास अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने मंदिर की आधारशिला रखी थी बीच में कोरोना महामारी के कारण इस मंदिर का निर्माण कार्य बंद हो गया था इस मंदिर के निर्माण के कारण से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए यूएई में भारत के राजदूत की माने तो ये मंदिर सहिष्णुता का नया उदाहरण है साथ ही यहाँ पर बसे हिंदू समुदायों को उनके घर में होने का एहसास कराएगा तो आगे कुछ बताएं, पर उससे पहले आपको मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खासियत बताते हैं मंदिर का निर्माण बी ए पी एस स्वामी नारायण संस्था कर रही है 27 एकड़ में फैला है अबुधाबी का भव्य हिंदू मंदिर भारत की पारंपरिक वास्तुकला के तहत हुआ निर्माण कारीगरी में दिखती है रामायण की झलक महाभारत भारत और हिंदू धर्म ग्रंथों की भी झलक गुलाबी बलुआ पत्थरों का हुआ है इस्तेमाल सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है मंदिर स्टील लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं भव्य दिव्य मंदिर की उम्र करीब हजार साल है मंदिर में गंगा यमुना सरस्वती नदियों का पानी डाला जाएगा मंदिर की भव्यता हिंदुस्तान के मंदिरों से भी भव्य होगी तो आपने जाना कि मंदिर की क्या क्या खासियत है मंदिर की जितनी तारीफ की जाए कम होगी ये भव्य मंदिर दुबई अबुधाबी राजमार्ग से दूर अबू मुरीखा में 27 एकड़ के भूखंड पर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित है जिसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई मन को मोह लेने वाली है पार्किंग क्षेत्र सहित पूरा परिसर आश्चर्य और भव्यता का एहसास कराता है मंदिर की वास्तुकला भारतीय पौराणिक महाकव्यों जैसे रामायण महाभारत और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के महत्वपूर्ण क्षणों को खूबसूरती से चित्रित करती है सबसे अहम योगदान कारीगरों का है जो मंदिर निर्माण के लिए दिन रात मेहनत में लगे हैं मंदिर निर्माण के लिए भारत में तीन कारीगर दिन रात काम में लगे हुए हैं जो मार्बल से नक्काशीदार चिन्ह और बना रहे हैं इसके अलावा दस देशों के तीस पेशेवर कारीगरों ने कई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर मंदिर का थ्री मॉडल बनाने के लिए 5000 घंटे दिए मंदिर के लिए अधिकतर पत्थर तराशने का काम भारत में राजस्थान और गुजरात के संगत ने किया है हाथों से तराशे गए इन पत्थरों में भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक दिखने के साथ साथ कई प्रतीक भी होंगे इसमें रामायण महाभारत समेत हिंदू पुराणों के प्रसंगों से जुड़े चित्र होंगे मंदिर का निर्माण प्राचीन हिंदू शिल्प के मुताबिक किया जा रहा है वैसे इतिहास में ये पहली बार है कि ये पारंपरिक हिंदू मंदिर को पूरी तरह से डिजिटल रूप से तैयार किया गया है और साथ ही दबाव तापमान और भूकंपीय घटनाओं का लाइव डेटा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर 300 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि इस मंदिर की उम्र करीब 1000 साल है यानी 1000 साल तक मंदिर मजबूती से खड़ा रहेगा वाकई ये मंदिर में रहने वाले भारतीय भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है अबुधाबी में पहले भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन समारोह में बस कुछ बस ही ही दिन बचे हैं साथ पर बसे हिंदू समुदायों को उनके घर में होने का एहसास कराएगा भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक यू में तकरीबन छब्बीस लाख भारतीय रहते हैं जो वहां की आबादी का लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा है इसे चौदह फरवरी को हार फेस्टिवल के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा उद्घाटन समारोह और पंजीकरण के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए फेस्टिवल ऑफ हार्मनी ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट से पता कर सकते हैं मंदिर इंतजामिया ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि बीएपीएस हिंदू मंदिर 18 फरवरी 2024 से पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा हर कोई मंदिर में आ सकता है देवताओं के दर्शन कर सकता है पहले दिन होने वाले प्रोग्राम में सिर्फ वही देख सकेंगे जिन्होंने रज किया होगा मंदिर वेबसाइट के मुताबिक ये राजसी पारंपरिक रूप से हाथ से नक्काशी किए गए पत्थर से बनाया गया मंदिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला में रखी थी मंदिर निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी पीएम मोदी खुद देते रहते हैं और लेते भी रहते हैं मंदिर निर्माण परियोजनाओं को भारत और यूए के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों का प्रतीक पीएम ने बताया है और अब तो बस सभी को उद्घाटन का इंतजार है उद्घाटन के पहले दिन एक खास प्रार्थना होगी ये 10 फरवरी को शाम 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होगी इसमें महज वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने मंदिर को बनाने के लिए अपना सपोर्ट किया है 11 फरवरी को पूरी दुनिया के सद्भाव के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना होगी इस प्रोग्राम में आध्यात्मिक लोगों और जोड़ों को शामिल होने की इजाजत होगी इसमें शामिल होने के लिए इन लोगों को 10:00 बजे पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा इसकी कयादत महाराज करेंगे वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा के साथ इसे पूरा करेंगे और सबसे बड़ी बात की जैसा की मैंने आपको बताया पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे तो ये वाकई में अपने आप खास और अहम हो गया है वैसे पीएम मोदी के कार्यकाल में चर्चित धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार में जितना काम हो रहा है वैसा आजादी के बाद कभी नहीं हुआ सरकार खुद धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है और खास बात है है। कि सभी कॉरिडोर का का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा करने लक्ष्य रखा गया है। 2024 के शुरुआत में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हिंदू जनमानस की आराध्य स्थली रही है मोदी सरकार की पहल के बाद करीब हजार हेक्टेयर के मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है इसमें यमुना रिवर फ्रंट और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को भी शामिल किया गया है कॉरिडोर से गोकुल नंदगांव बरसाना जोड़े जा रहे हैं उज्जैन का पूरा कायाकल्प हो चुका है वाराणसी भी बदल चुकी है और एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी मंदिरों को भव्य बनाने पर जोर दे रहे हैं पीएम मोदी के इस कदम पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी नमस्कार